que la ruleta. Nobody can ever stop you. I am Shakti Mohan. Dance is extremely healing. Matlab agar you are going through a lot in your life, you step into a dance class and it will change you like some magic happened. I think agar आपको अपनी लाइफ में से स्ट्रेस हटाना है, जितने लोग आजकल बहुत बीमार होते हैं स्ट्रेस के कारण, अगर आपको दूर भागना है बीमारियों से, डांस इज वन वे यू कैन बी हेल्दी एंड हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आई थिंक दैट वे डांस हैज केप्ट मी वेरी हैप्पी. इट हैज टेकन केयर ऑफ मी. सो इट्स माई फ्रेंड. इट्स ऑलवेज बीन देयर फॉर मी. इट हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी, ऑलवेज पुश्ड मी फॉर वॉट आई वॉज नॉट इवन केपेबल ऑफ. Dance has always been a part of life. Whenever I think of dance, I go back to when I was this tiny. I started to learn dance when I was 8 years old, but I've always danced since I remember. And I remember dancing to everything. Every song that played, slow, fast, any style, I danced to it. जो मेरा पहला डांस परफॉर्मेंस था वो स्कूल में था. मैं बोर्डिंग स्कूल में थी राजस्थान में, और वहाँ पे मैं और मुक्ति, शी इज़ जस्ट 2 years younger to me, तो हम लोग एकदम ट्विन्स लगते थे. सेम बॉयकट बाल थे और सेम कपड़े पहनते थे. मम्मी सेम ही हमको तैयार करती थी. और हम स्टेज पे गए और हमने आई थिंक कजरा मोहब्बत वाला उस पर डांस किया था. आई रिमेंबर आई वोर अ ब्लैक स्लीवलेस एंड ब्लैक टाइट. इट इज़ वन ऑफ द परफॉर्मेंसेज आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. और ऐसा था कि टीचर्स बोलते थे कि ऐसा लग रहा है दो मिरर्स डांस कर रहे हैं. सो इन दिल्ली जहाँ पे हम रहते थे, हमारा रूम में एक ऐसा बेड था और सामने मिरर लगा हुआ था. मतलब हम लोग प्रॉपर कॉन्सर्ट्स रखते थे घर में. जैसे अगर आज क्रिसमस है, क्रिसमस तो हम लोग सेलिब्रेट भी नहीं करते, बट वी इनवाइट द होल फैमिली, क्योंकि हमने पूरे अपने स्टेप्स रेडी करे हुए हैं. हम पूरा फेस पेंट वेंट करके प्रेजेंटेशन, मतलब ज़बरदस्ती फैमिली को बोर करना. माई एल्डर सिस्टर नीति, शी यूज़ टू ब्रिंग ऑल दीज कैसेट्स एंड वी वुड कम प्ले द कैसेट एंड डांस ऑन द बेड. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ब्रोक द बेड. I had this accident when I was 4 years old, and doctors told my parents that she'll never be able to walk again. This kind of teaches me something that no matter what people say and do, nothing is impossible. I'm from a very basic middle class background. Back then in Delhi, to even think to have a career in this industry, you know, you would think they are doing something wrong. Nobody could even dare to dream of doing all of this. We were very sharp at studies, like we would top university and all of that. So everyone expected ki ye padhai mein kuch karegi, job le legi. And our relatives, even when we were born, they would say aapki char betiyan hain, aapke to liability hai. But our dad always protected us from all these thoughts. Meri family ne kabhi bhi mujhko roka nahi. My dad never stopped us. He's like, beta tumko Miss India banna hai, tumhe modeling karni hai, tumhe doctor banna hai, tumhe jo karna hai karo. I am not going to tell you. तो एक पॉइंट पे तो ऐसा था, आई वॉज एंग्री विद माई फादर कि पापा आप बता क्यों नहीं सकते. आई विल डू वट एवर यू से. इज लाइक नो, इट हैज़ टू बी योर चॉइस एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट. एंड देयर वर मंथ्स आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई एम लाइक गॉड क्या करना है क्या करना है. एंड थैंकफुली आई मेट टेरेंस सर एंड आई फाउंड वॉट आई रियली वॉन्टेड टू डू इन लाइफ. सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई फादर दैट वी कुड चेंज द नोशन, अदरवाइज वी वुड बी डूइंग एग्जैक्टली वट द वर्ल्ड वॉन्ट्स वीमेन टू डू. आज भी मुझे बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए. आई नो डीप डाउन हु आई एम एंड इवन इफ आई फेल आई वुड रादर बी मी देन बी समवन एल्स. बहुत मूवमेंट्स रहे हैं, DID जीतना और झलक में परफॉर्म करना, मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं लाइफ में. बट एज आई सेड कि ये जो मेरी फैमिली के साथ जो मैंने एक छोटा सा डांस पीस किया है नैन लड़ जाई में, जो कि पापा का फेवरेट सॉन्ग है, आई थिंक दिस विल बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू कम. एंड वो ऐसा एक वीडियो है जिसको देख के मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है. ऑल द डांसर्स आउट देयर हु आर वॉचिंग दिस, आई वॉन्ट टू से डांस इज़ वेरी सिंपल. हम लोगों ने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, स्टाइल्स एंड लेवल्स एंड ये सब. ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स सिंपल. इन्जॉय इट. एसेंस ऑफ इट इज जस्ट हैव फन, इन्जॉय एंड डोंट थिंक कि मैंने ये स्टेप किया है और इसको ये टेक्निकली ऐसा होना चाहिए. ऐसा बहुत अभी आजकल बहुत सोचने लगे. Just do it for the fun of it, and I hope you guys watch my family's dance video, which was like a happy dance day challenge, because dance is about creating happiness around you. So I don't know, it should not sound very idealistic, but do take out time to dance with your family. It'll be an experience. It'll be an experience for you to remember for the rest of your life. मैंने हमेशा दीदी नीति दीदी को देख के सब कुछ सीखा है.
दीदी इज द रीजन वाई आर एंटायर फैमिली गॉट इन टू दिस बिकॉज उनके अंदर पता नहीं आई थिंक शी वॉज बॉर्न विद दिस कीड़ा कि वो पूरे टाइम मिरर के सामने अपने आप को देख के इतराती रहती थी खेलती रहती थी वो करती थी तो आई थिंक दीदी यू आर द रीजन वाई आई एम सेलिब्रेटिंग दिस डे आई फील वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड व्हेन पीपल से दैट यू आर एन इंस्पिरेशन आई थिंक दैट रियली टचेस मी एंड आई एम लाइक गॉड रियली एम आई एन इंस्पिरेशन आई एम नॉट आई एम जस्ट लर्निंग डांस एंड आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ डांस and I don't want to take up that responsibility because I still want to be that student in the class who is learning and I don't want to be whatever people think of me I just want to be like behind somewhere